मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में रोज नए खुलासे कर रही है और अब पुलिस को राज के अंधेरी वाले ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला है, जिसके बाद नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी ली जा रही है। और इस अलमारी को दो दीवारों के बीच अंदर तक फिट किया गया था ताकि बहुत से कम लोगों की नजर इस पर पड़े। दरअसल क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया है और उन्होंने ही इस रहस्यमयी अलमारी के बारे में जांच टीम को टिप दी थी। बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार ये 4 गवाह हैं और जिसे कुंद्रा ने एविडेंस नष्ट करने को कहा था। बता दें कि अश्लील केस में फरवरी में FIR दर्ज हुई थी और उसी महीने जब राज कुंद्रा के PA उमेश कामत को क्राइम ब्रांच ने उठाया था, उसी दौरान कुंद्रा ने मुंबई स्थित अपनी वियान इंडस्ट्रीज कंपनी से पोर्न फिल्मों के एविडेंस नष्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और कुंद्रा के ऑफिस के लोगों ने ही जांच टीम को बताया कि कई पोर्न वीडियो उनके मुंबई स्थित ऑफिस से अपलोड किए गए और इसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तकनीक यूज की गई थी। वहीं दूसरी मोडस ऑपरेंडी में कई पोर्न वीडियो मुंबई से सीधे लंदन भेजे गए और जहां कैनरिंग कंपनी द्वारा इन्हें अपलोड किया गया था। वहीं राजकुंद्रा का कहना है कि कैनरिंग उसके रिश्तेदार प्रदीप बक्सी की कंपनी है, लेकिन खुद राजकुंद्रा के कई व्हाट्सएप चैट मुंबई क्राइम ब्रांच को हाथ लगे हैं, जिसमें वह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वह कैनरिंग कंपनी के पार्टनर हैं। वहीं राजकुंद्रा बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच जिन्हें पोर्न वीडियो बता रही है वह पोर्न नहीं बल्कि इरोटिक है। और खुद शिल्पा शेट्टी ने भी 3 दिन पहले जांच टीम से यही कहा। पर इस केस से जुड़े जांच अधिकारी का दावा है कि हमने जो वीडियो फिल्म और इन फिल्मों की शूटिंग के लिए जो स्क्रिप्ट जब्त की है वह पोर्न फिल्मों की श्रेणी में ही आती है।